जाफर के ताल्लुक से इरशाद फरमाया कि लक़द जा रसूलुकुम मिन अन्फुसिकुम, ऐ लोगों तुम में ऐसे अज़ीम शान रसूल आए हैं जिन्हें मैंने तुम्हारी तरफ मबऊस किया है, मिन अन्फुसिकुम जो तुम्हीं में से इंसानों ही में से है, अज़ीज़ अलैहिमा अनितु, इस रसूल पर गिरा बदलती है वो चीज जो तुम्हें तकलीफ में डालता है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, ये रसूल तुम पर बहुत ही ज्यादा हरीस है इस बात पर कि तुम्हें किसी किस्म की मशक्कत में डाला जाए और तुम्हारी आखिरत के द्वार से हदीस में फिक्रमंद है कि तुम जहन्नम में जाने से भी बच जाओ, बिल्मुमिनीन रऊफुर रहीम, पैगंबर अहले ईमान पर रऊफ है, शफीक है, रहीम है, मेहरबान है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ ही में फरमाया है कि फबिमा रहमतिन मिन अल्लाह लिंत लहु, पैगंबर आप अल्लाह की रहमत के सबब इन सहाबा किराम पर नरम हो गए, फबिमा रहमतिन मिन अल्लाह लिंत लहु, अल्लाह ताला की तरफ से जो आप पर रहमत है इस वजह से आप सहाबा किराम पर नरम हो गए, वलौ कुनता फज़्ज़न ग़लीज़ अल-क़ल्ब, अगर आप कर्ज हो होते, अगर आप सख्त दिल वाले होते, आप तुरश मिजाज वाले होते, लनफ़ज़ो मिन हौले, तो ये सहाबा किराम आपके इर्द गिर्द न बैठे, आपके इर्द गिर्द से ये लोग उठ जाते। फ़ाफ़ अन्हु वस्तग़फ़िर लहु वशावरहु फिल अम्र, आप इन्हें माफ कर दिए, इन्हें सदरगुजर कीजिए, इनके लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार तलब कीजिए, वशावरहु फिल अम्र, और जब कोई अहम मामला आ जाए उस बारे में वही नाजिल ना हुई हो तो आप लोगों से उस चीज में मुशावरा कर मशवरा करें। फैदा आलम तक सतवक्कल अला अल्लाह, और जब किसी एक चीज पर दिल जम जाए, बात पुख्ता हो जाए, एक चीज दे पा जाए, फतवक्कल अला अल्लाह, फिर अल्लाह का भरोसा करेगा, अल्लाह ताला भी तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस अंदाज में तआरुफ कराने का मकसद यह है, ये बताया जा रहा है कि इस्लामी माशरे की जो बुनियाद है वो किस चीज पर कायम है। एक शख्स इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान हो जाने के बाद उसे कौन सा ऐसा अमल इख्तियार करना चाहिए या किस अमल की तरफ उसे ज्यादा तवज्जो करने की जरूरत है कि जिसकी वजह से ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर जो माशरा वजूद में आया है
ये मुआशरा मुस्तहकम हो जाए, मजबूत हो जाए, इनके दिल आपस के अंदर मिल जाए और ये एक दूसरे पर जान निशावर करने वाले बन जाए, इसकी आशास और बुनियाद क्या है? इस सवाल के जवाब में इरशाद बारी ताला है कि पैगंबर आपके अखलाक हसना की वजह से अल्लाह ताला ने ये माहौल पैदा फरमा दिया। हकीकत बात यही है कि अखलाक जो शरी तौर पर मतलूब है और शरीयत ने जिस अखलाक की तालीम दी है, अगर एक मुसलमान की जिंदगी में ये अखलाक सलीमाना के अंदर आ जाए तो माशरा किसी घर में हो तो वो घर, किसी खानदान में हो तो वो खानदान, किसी कौम में हो तो वो कौम, किसी कबीले में हो तो वो कबीला, वो सबसे मुमताज हो जाए। इसी अखलाक की वजह से, अखलाक आलिया की वजह से, अखलाक हसना की वजह से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ताल्लुक से सवाल किया। अदखलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाती है कि अबा तकरउ कुरान, कुरान मजीद नहीं पढ़ते? सवाल करने वाले से कहा कान खुल्कुल कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बाबत अगर जानना है तो कुरान पढ़ो, कुरान आपके अखलाक का अमली नमूना है, कुरान आपके अखलाक को वाज़ेह करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कहा जा रहा था आप उसकी अमली शक्ल बनकर अपने अखलाक को नुमाया करते हैं। यही वजह है कि आपकी अखलाक का आलम यह है कि छोटा सा वाक़िया तो हदीस के अंदर आता है। एक गज़वे से वापसी का मौका था, जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि मैं अपनी सवारी पर सवार था और मेरी सवारी चलने के अंदर बार दफा सवारी जानवर है अड़ जाता है, फिर उसको जरा मुख्तलिफ तरीके उसे सीधा करके चलाया जाता है। कह रहे मैं अपनी सवारी को चला रहा था, कुछ ऐसे अड़ियल पर जो मुजाहरा कर रहे थे, मुझे कुछ सख्ती करनी पड़ रही थी, लेकिन साथ ही मेरे पीछे मेरे वालिद जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सवारी चूंकि उनकी थी उन्होंने मुझे दी थी, तो वो मुझे डांटते रहे कि ऐसे ना करो, इस तरह ना करो, ऐसे चलाओ, इस तरह ना चलाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों के मामला देख रहे हैं। बिलाखिर आपने जनाब अहमद का बार बार कहने को और डांटने को अच्छा ना समझा कि जाहिर वो बाप थे, उसके हक को भी आपने सरल नहीं की, जनाब उमर को डांटा ऐसा नहीं। आपने जनाब उमर से कहा कि ये जो सवारी है इस पर उसका बेटा सवार है, कहा ये सवारी मुझे बेच दो। जनाब उमर ने कहा ठीक है, सौदा हो गया। आप आए सौदा हो जाने के बाद कीमत दे जनाब उमर, और जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा आप जैसे चला रहे थे वैसे। इस वाक़े के अंदर सबक का पहलू यह है, इस वाक़े में सबक का पहलू यह है कि जनाब उमर भी बाप शफीक है, बाप भी शफीक होता है, बाप अपनी औलाद की सरफाई करता है।
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का आदम यह था कि आपको जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर को डांटा जा रहा था कि वालिद गिराम भी डांट रहे थे, आपको वो भी पसंद था। यानी आपकी शख्सियत जनाब उमर बाप होने के बावजूद ऐसी शख्सियत का मुजाहरा ना कर सके जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का मुजाहरा था। ऐसे वाकयात भरे पड़े जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया भी सफर के ताल्लुक से, सवारी के ताल्लुक से सही बुखारी में इमाम बुखारी ने इस वाकया को सही बुखारी में कई मकाम पर जिक्र किया है। सही बुखारी में किताब नबी में भी वाकया है, सही बुखारी में इधर किताब निकाह में भी ये वाकया है। जनाब जाबिर रजी अल्लाह तआला की सवारी सफर में सही चल नहीं रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आए और एक छड़ी से सवारी को हल्का सा मारा। बस ये लगना था कि सवारी इतनी तेज दौड़ने चली, इतनी तेज चली, ऐसा कभी किसी ने इस तरह सवारी को दौड़ते हुए नहीं देखा, इतनी बेहतरीन अंदाज में चल रही थी। आप जाकर अब्दुल्लाह के साथ चलते हुए वहां पहुंचे के पास, पहले उस सवारी से वो मुक्ताए हुए थे, पूछा है जाबिर आपकी सवारी भेजोगे? अल्लाह के नबी भेजने की क्या बात, आप ऐसे ही नहीं फरमाया नहीं सौदा बना। जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं शर्त इस शर्त पर सौदा हो कि मैं इस सवारी क्योंकि मैं सफर में हूं मेरे पास होगी सवारी नहीं, लिहाजा मैं इसी सवारी पर मदीना तक जाऊंगा, सौदा भय अभी हो जाए मैं इस पर वहां तक जाऊंगा। हाँ मदीना तजुबा जाने के बाद इस सवारी सौर पर जबान के मुताबिक सौदे के मुताबिक आपको दे दे और आपसे कीमत ले दे। फरमाया ठीक है। जनाब जाबिर जब घर पहुंचे जो वाकया बतलाया है तो उनके पास सवारी के लिए इसके अलावा तो और कुछ नहीं थी। खैर वादे के मुताबिक वो सवारी लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा अल्लाह के नबी ये सवारी आज दे दी, आप हमसे कीमत और कीमत देने के बाद जब वो जाने लगे उन्हें बुलाया और बुलाकर कहा जाकर तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है, अंदाजा कीजिए आपका इस ताल्लुक से सहाबा किराम पर कैसी तवज्जो है, कितना उसका एहसास है, कितना उसका ख्याल है। तुम्हें ऐसा लगता है पर इस हवाले से कोई ज्यादती हुई, कोई कीमत की कमी है या कोई और मसला? फरमाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कीमत तो उसे आप दे चुके थे। फरमाया चलो ये कीमत भी ले जाओ और ये भी मेरी तरफ से हिबा है। तो ये सब आपके अखलाक करीमाना की मिसाल है और यही वजह है कि सहाबाए किराम आपके साथ किस तरह मिल कर रहे हैं और किस तरह अपनी जान नाव का निछावर कर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए उन्होंने किसी चीज को नहीं देखा। ये माशरा अखलाकियात की बुनियाद पर वजूद में आता है और अखलाक जाहिरी तौर पर रस्मी तौर पर आप जनाब से गुफ्तगू करने का नाम नहीं है, किसी शख्स के साथ है उसकी मौजूदगी में
बड़े अखलाक से बात करे, उसके जाने के बाद गाड़ी से उसको रुखसत करे, उसके बारे में फिर वो नादेवा जो है बात कहे, ये अखलाक याद नहीं। अखलाक याद तो इस चीज का नाम है कि आप जब किसी के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं तो एक जज्बे से पेश आ जाए, जिसे इखलास कहा जाता है, इस इखलास के जज्बे के साथ पेश आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर अखलाक करीमाना ऐसा था तो सहाबा का आपके साथ जो अंदाज था वो भी मिसाल था। सही बुखारी के अंदर किताबुल निबास के अंदर रिवायत मौजूद है, एक सहाबिया खुद एक औरत हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आपको एक चादर जो धारीदार चादर होती है वो आपको ज्यादा पसंद है, वो खुद अपने हाथों से वो चादर बुन कर अल्लाह के नबी के पास लाती है और कहती है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप इस चादर को पहनें। तो आपका अखलाक सिर्फ जबानी हरकत नहीं, आप दिल से उनकी खैर ख्वाहिश को चाहते, आप दिल से उनसे मोहब्बत करते, उसमें आपकी जात के मुनाफे का कोई पहलू नहीं। कई लोग आज माशरे में आपको नजर आते हैं, बड़े लोग सियासी लोग कारोबारों की आयाने करते हैं, उसके अंदर कोई मफाद होता है, कोई पहलू होता है, अल्लाह के रसूल का कोई ऐसा पहलू नहीं, कोई ऐसा मफाद नहीं। मफाद है ये कि ये शख्स दीन पर कायम है, इसको दीन पर इस्तेकाम नसीब रहे, ये शख्स दीन पर दाखिल हो जाए। सही बुखारी के अंदर ये वाकया है मौजूद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इत्तला आई कि फला बच्चा यहूदी, एक यहूदी का बच्चा था, यहूदी था, लेकिन आपकी खिदमत कर आपको पता चला कि वो बीमार हो, तो आप उसकी आयादत के लिए तशरीफ ले, सहाबा आपके साथ था। ये अखलाक और जब आप उसके आयाद के लिए तशरीफ ले गए तो बाप भी हैरत में आ गया, बेटा को अल्लाह के नबी की खिदमत करने की वजह से अल्लाह के नबी से उत्स था, मोहब्बत थी, आपने उसको ऐसी तकलीफ के हालत में देखा, आखिरी वक्त आपने उससे कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बात की शहादत देते हो अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फनादर इला अली, उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने कहा आते अबुल कासिम, अबुल कासिम की बात मान, उसने कलमा पढ़ा। हदीस के अल्फाज है कि जिस वक्त उस बच्चे ने कलमा पढ़ा उसकी रूह कस्बे अंसरी से परवास हुआ, और आप उस मौके पर ये फरमाते हैं कि पाक है खुदा सुभान अल्लाही अन कलहु अन्ना, पाक है खुदा जिसने इसको जहन्नम से बचा दिया। ये बात है अगर आपका जो अखलाक करीमाना था वो इस दर्जे में, आज अगर एक मुस्लिम माशरे के अंदर हम आए दिन जो फसाद देखते हैं, माशरा तो बहुत बड़ी चीज है, एक घर के चार अफराद के अंदर अगर आपस के अंदर हम आहंगी नहीं है तो उसके असबाब भी यही चीज,
याद रखिए जो रिश्ते मान दौलत की बुनियाद पर बनते हैं वो कभी कायम नहीं होते, जो जाती अगराज की बुनियाद पर रिश्ते बनते हैं वो कभी कायम नहीं होते। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे पास किसी ऐसे घराने से रिश्ता आए जिसके दीन और अखलाक से मुतमईन हो तो अपनी बच्ची का वहां रिश्ता करो, उसके दीन से इत्मीनान है और उसके अखलाक अच्छा है तो रिश्ता करो। लेकिन अगर उसका दीन अच्छा है, उसका अखलाक अच्छा नहीं, भले फिर वो करोड़ों पति हो, उससे तुम्हें कभी भी तुम अगर अपनी बच्ची को सुख देना चाहते हो कभी सुख नहीं मिल सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ऐसा मामला सहाबा के साथ था और दिल की गहराइयों से था तो सहाबा इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम के मामला भी ऐसे हैं। सहाबा इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम उनका मामला भी ऐसा है। जनाब अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बीवी उम्मे सुलैम के पास आते हैं और फरमाया कि आज मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गुफ्तगू की तो मैंने ये महसूस किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत में है, लेकिन आप सहाबा के सामने ये जाहिर नहीं करें। सहाबा भी सब भूखे थे, सब के सब तकलीफ में थे, गज़वा खंदक वाला मारका था, खंदक के खोद पर बुरा हाल था, उम्मे सुलैम से कहा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ इंतजाम हो जाए खाने का, घर में कुछ है, कहा कि हाँ घर में चंद रोटियां हैं। अबू तलहा कहते हैं अगर आप ये रोटियां लेकर मैं अल्लाह के नबी के पास जाऊं और अल्लाह के नबी को और अल्लाह के नबी को बुलाऊं और आप भी चुपके से खाए तो बड़ा मायूस नजर आ। जनाब अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बच्चे को तैयार करते हैं, उम्मे सुलैम कहती है मैं ये रोटियां प्लेट कर देती हूँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह अल्लाह के नबी को दे दे, फिर अल्लाह के नबी जो करना चाहते हैं। जनाब अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ रहे हैं, वाकया सदक के मौके पर जो मामला पेश आ रहा था, अबू तलहा ने अल्लाह के रसूल की आवाज से अंदाजा किया कि अल्लाह के नबी को इस वक्त भूख ने हिदायत किया। आपने अबू तलहा से कुछ नहीं कहा था कि मेरे लिए कोई खाने का इंतजाम है, हर एक के हालात ना कुछ का भेद है। चुनाव इतना आपको अंदाजा ये हो गया कि अबू तलहा जो इस वक्त बात करके गए हैं इससे एक अंदाजा आपको हुआ कि ये मेरा सहाबी आराम से नहीं गए, तो से ही जनाब अनस को आपने देखा तो फरमाया अबू तलहा ने भेजा। जनाब अनस बच्चे थे क्या कर बताया कि ये रोटियां भेजी कहा है इसी तरह रखो और घर जाओ और साथ ही सहाबा इकराम से कहा चलो अबू तलहा ले आए। अबू तलहा ने आपकी दावत
सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर चल दिए। अबू तलहा ने जब ये मंजर देखा कि अल्लाह के नबी भी आ रहे हैं, सहाबा भी आ रहे हैं, कुछ परेशान था, अपनी बीवी से कहा, लगता है मामला जनाब अनस समझा नहीं सके, सच्चे थे। जनाब अनस से पूछा, उसने कहा कि नहीं, मैंने साफ ये बताया कि ये रोटियां है आपके लिए भेजी है, लेकिन आपने वो फरमाया कि इसे घर ले जाओ, और फिर आपने साफ उस तरह कहा था। उस मौके पर उन्हें सुनाया फरमाती है, फिर आप क्यों परेशान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर आया है। तो हुआ रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए। तो फरमाया कि ऐसा करो, उस रोटियों के टुकड़े कर और 10-10 सहाबा को घर के अंदर बुलाया कि वो आए खाए चले चले। और क्यों कसीर तादाद सहाबा की आती है, 10-10 कटोरियों में खाते हैं चले जाते हैं। फिर फरमाते हैं जनाब अबू तलहा जनाब अनस, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने सैराब हो गया, आपका अगर मामला सहाबा के साथ इतना करीब आना था, सहाबा भी आपके साथ दिल से अल्लाह के इस दीन के साथ आपके साथ दिल से मुखलिस थे। इसलिए तो बारहा मौकों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि लौला अशुक्का, अगर मेरी उम्मत पर गिरा ना होता तो मैं ये अमल करता, मेरी उम्मत पर गिरा ना गुजरता, मेरी उम्मत तकलीफ लेना पड़ती, मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता हर वजू के साथ, हर नमाज के साथ मिसवाज करता, मेरी उम्मत पर गिरा ना गुजरता तो मैं अपनी उम्मत को कहता कि ईशा की नमाज लेट जाते, मेरी उम्मत पर गिरा ना गुजरता तो मैं अपनी उम्मत को इस बात मान लेता। बहुत से काम जो आप करना चाहते थे लेकिन इसलिए नहीं किए कि उम्मत तकलीफ में गिरफ्तार ना हो, उम्मत मशक्कत में गिरफ्तार ना हो, आप पर उन्होंने वही वही कैसी रफ्तारें थी। आपने सहाबा से फरमाया इन अल्लाह कद फरज अलैकुमुल हज, अल्लाह ने आपके पर हज फर्ज किया। मजमे में एक शख्स खड़ा हुआ, अकरा बिन आबिस, उसने कहा अफीकुल आम या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हज हर साल करना है, ये वजाहत अभी नहीं हुई, सिर्फ इतना ही आपने फरमाया था, अभी वही नाजिल हो रही है। आप एक लंबा सुकून करते हैं, सहाबा इस बात की तमन्ना करते हैं कि काश अल्लाह के नबी खामोश, अल्लाह के नबी को बीच में टोका ना जाता, इस सवाल करने वाला खामोश रहता ना बोलता, इतना अच्छा होता कि आप बोलते हुए रुके। और फिर जब आप पर हुजूर वही की कैफियत खत्म हुई तो फरमाया अल्लाह ताला ने मुझ पर हज को फर्ज किया है, पूरी जिंदगी में एक बार जिस वक्त मुझसे ये पूछा गया कि हर साल करना है, उस मौके पर ऐ मेरे सहाबा अगर मेरी जुबान से ये लफ्ज निकल जाता ना हाँ हर साल हज करना है तो फिर क्या होता, न वजब ये हज करना फर्ज हो जाता और हर साल तुम्हें जाना पड़ता और फिर तुम इस फरीजे की अदायगी की ताकत ना रखकर एक फरीजे के मुनकर बन जाते। इसलिए ये भी फरमाया कि जब तक मैं शरीय एतबार से तुम पर किसी हुक्म को मैं तंगी पैदा ना करूं, मुशक्कत पैदा ना करूं, खुद अपने ऊपर तंगी पैदा ना करूं, खुद अपने ऊपर मुशक्कत पैदा ना करूं,
अल्लाह के रसूल की शान ये है, ऐसा अजीब शान रसूल है कि अजीज कि जो चीज तुम्हें तकलीफ में डाल देती है वो उस पर गिरा कर, यानी तकलीफ तुम्हें होती है और महसूस अल्लाह के रसूल कि कैसा आला अखलाक, अखलाकियात की जो बुनियाद है वो भी दीन। इसलिए साथ कोशिश ये करें बहैसियत मुसलमान अपने गुफ्तार में, अपने किरदार में, अपने कौल करार में वो शरी जामतों को अपना, ये नहीं कि मेरी तो अब ये आदत हो गई है अब ये तो नहीं जा सकते, आप कंप्रोमाइज कर सकते, आप बर्दाश्त कर सकते, मेरा तो मामला यही रहेगा नहीं। अगर एक शख्स के अंदर अखलाकी एतबार से इस तरह की कोताहियां हैं तो उसे अपने आप को बदलना, और अगर वो अपने आप को बदल रहा है तो माशरे के अंदर ऐसे शख्स को दोबारा उस जैसी हालत पर आने की मजबूर ना किया गया। अगर एक शख्स सही हो रहा है तो भी लोग उसे जीने लगे। जनाब रमजान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक गुलाम सिर्फ ये कह बैठे, एक आली के बेटे की माँ का रंग काला था, गुलाम की जो माँ थी उसका रंग काला था, अब किसी का रंग काला हो या सफेद हो या कोई और मिला जुला रंग हो उसमें उसे निशान क्या क्या उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजर रहे थे, आपने यह अल्फाज सुन ली तो आपने फरमाया आयतहु के ऊपर ही तुमने उसे उसकी मां के साथ आर नहीं, उसकी मां ऐसी है ऐसे काली का बेटा है, अब इसमें इसका क्या कसूर, और उसकी मां का रंग अगर काला है तो उसमें उसका क्या कसूर। फरमाए नफी कर बेशक शरे अंदर खसलत जाहिलिया, जाहिलियत की एक खसलत आज भी मौजूद है। ये रिवायत सही बुखारी में किताब अल ईमान में भी है, और ये रिवायत सही बुखारी के अंदर किताब अल अदब, किताब अल अदब के अंदर जो रिवायत है उसके अंदर अबू जर ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई, अब भी मेरे अंदर जहालत है, अल्लाह के नबी शुरू में इस्लाम नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं थे, फिर इस्लाम ले आए, फिर अच्छाइयां आना शुरू हो गई, फिर नेकियां अपना करना शुरू कर दी, और मैं इतनी हम नेकियां करते करते आज भी हमारे अंदर जहालत है। मैं हाँ आज भी तुम्हारे अंदर जहालत की ये किस्म होती है। अल्लाह के नबी अपने सहाबी को बताते हैं जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है, वो बड़ा हो गया है, आपने ये नहीं कहा अच्छा उसके ऊपर तो 60 साल हो गए हैं इसके लिए तुम्हें कोई पसंद है। अपने आप को बदलिए, अपना जायजा अपना महासमा किया, गौर कीजिए यह अखलाकियात सिर्फ आपकी जात तक महदूद नहीं रहते, जो किरदार जो गुफ्तार जो कल्चर आप अपनाते हैं ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहते, वो आपके घर से आपके आपके घर से आपके घराने खानदान कौम तक फैलती है। एक इंसान की नेकी उसके घर में बंद नहीं रहती, उसके घर से बाहर उसके खानदान में कहां कहां तक नेकी पहुंच जाती है, ऐसे ही बुराई भी आपकी जात तक महदूद नहीं रहती। और इस बद अखलाकी की बुनियाद पर वो शख्स पूरे घराने में पूरी कौम में पूरे कबीले में मशहूर होता है।
इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया कि इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, पैगंबर आप तो अखलाक के इंतहाई आला मनसब पर फाइज़। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस हवाले से अपना मुहासबा करने का तौफीक अता फरमाए। अकूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह लि वलकुम।